हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। आज की इस वीडियो सेक्शन में जो है वो आपको हम सिखाएंगे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना, या हाउ टू ड्रॉ दी कैम प्रोफाइल, है ना। गिवन बहुत सारा जो डेटा है वो गिवन रहेगा। ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है वो बता चुके हैं कि कैम आपका फॉलोवर का मोशन के बारे में बताए हैं, जिसमें आपको बताया SHM कैसे ड्रॉ होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उसका, और फिर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कैसे होगा, जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के लिए कैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ होता है, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये इस लेक्चर में जो है वो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखाएंगे। अब जरा भी लेक्चर को स्किप ना करें, पूरे कंप्लीट को देखें, आपको 100% ये कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सबसे ईजी लगेगा। ये पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में जो सबसे आसान होगा आपके लिए ये होगा कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना। तो आप कंप्लीट लेक्चर को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले होगा, तो उसका गिवन डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी प्रोफाइल ऑफ कैम ऑपरेटिंग, है ना, क्या ड्रॉ करना है, तो प्रोफाइल ड्रॉ करना है, यानी कि कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, वो कौन सा फॉलोवर यूज करता है, नाइफ एज फॉलोवर यूज करता है, हैविंग नाइफ एज फॉलोवर हैविंग ए लिफ्ट ऑफ 30 mm। लिफ्ट कितना दिया हुआ है, 30 mm। तो देखिए कुछ डेटा जो है ना वो आपको इसमें फॉलोवर कैसा है, तो फॉलोवर जो है वो नाइफ एज वाला है, फॉलोवर आपका है नाइफ एज, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे टाइप का फॉलोवर होता है, जैसे नाइफ एज फॉलोवर भी होता है, रोलर फॉलोवर भी होता है, मेरे प्यारे दोस्तों नाइफ एज फॉलोवर है, और एज का वैल्यू दिया हुआ है, जो लिफ्ट है ना वही एज होता है, एज का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30 mm गिवेन है, ठीक है। द कैम रेजेज द फॉलोवर विद SHM फॉर 150 डिग्री। देखिए आपको दिया हुआ है एसेंट का वैल्यू, एंगल ऑफ एसेंट जो है वो दिया हुआ है 150 डिग्री, और ये कैसे हो रहा है, तो ये SHM को फॉलो कर रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ ड्यूल, और इसके बाद जो है ये ड्यूल पीरियड होता है, ड्यूल पीरियड जो है वो 60 डिग्री का ड्यूल पीरियड है, 60 डिग्री का ड्यूल पीरियड है। आगे है दी फॉलोवर डिसेंट, अच्छा हाँ, फॉलोवर फिर जो है वो डिसेंट कर जाता है, और डिसेंट करता है कितना डिग्री तक, नेक्स्ट आपका 100 डिग्री तक डिसेंट करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए इसको ये फॉलो कर रहा है कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, अगेन फॉलोड बाय ए ड्यूल पीरियड, अगला बार फिर से जो है वो ड्यूल पीरियड को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दिया हुआ है, लिस्ट रेडियस, लिस्ट रेडियस जो है 20 mm है, लिस्ट रेडियस गिवन है, क्योंकि ये ज़रूरी है लिस्ट रेडियस कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने में, लिस्ट रेडियस बराबर 20 mm। अब डेटा कैसे यूज होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो आपको हम अभी इसमें क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिटिकल वाला जो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलता है एनालिटिकल मेथड, तो वो नहीं बताएंगे, सिर्फ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखाएंगे, और कोई भी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे, सिर्फ कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना अच्छे सब चीज़ों को सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपसे ये पूछे कि जो ड्यूल पीरियड है, नेक्स्ट ड्यूल पीरियड, वो ड्यूल पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा, आप इजीली बता सकते हैं ये ड्यूल पीरियड कैसे फाइंड होगा। ऑब्वियस है कि ये वन रोटेशन के लिए होता है, तो 360 डिग्री माइनस होगा, ये सारे डेटा को आप जोड़ देंगे, तो 150 प्लस कितना होगा, 60 डिग्री होगा, प्लस कितना होगा, 100 डिग्री होगा, है ना। तो देखिए इसको जोड़ने के बाद घटाएंगे तो ये कितना होगा, 150 प्लस 60 210 होगा, 210 होगा, 210 को 100 से आप यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310, है ना, 310 होगा। अब 310 इससे घटाएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री का होगा। तो देखिए सबसे पहला काम अब ड्रॉ करने का स्टेप आप सीखेंगे, पहले तो आपको जो है ना एक आपको क्या ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का, फर्स्ट में जो है वो फर्स्टली आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है, फर्स्टली आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एच का वैल्यू है दिया हुआ है ना, आपको हम डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिखाए, उसमें रिक्वायरमेंट होगा एच का, इसका रिक्वायरमेंट होगा, इसका रिक्वायरमेंट होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका जो रिक्वायरमेंट है ये लिस्ट रेडियस का, समझिएगा ये आपको है ड्यूरिंग कैम प्रोफाइल, जब आप कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तब उसका जरूरत पड़ेगा मेनली। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या एच यदि 30 mm दिया हुआ है ना, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग एक स्केल ले लें कि हाँ 30 mm इज इक्वल टू 5 cm, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एक स्केल ले लें और उसी स्केल से को फॉलो करते हुए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करें। तो आप 30 mm डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं। आइए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम कि आप 30 mm का जो है देखिए इस तरीके से सपोज कीजिए ये ड्रॉ हो गया, ये जो आपका है ये एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, ठीक है, ये एच लिए हैं और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू जो है यहाँ पे 30 mm है, यानी कि 30 mm को एक स्केल मान लिए कि हाँ आवर 30 mm इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। अब अपने अकॉर्डिंग स्केल मान ले, कोई इशू नहीं है, सबका अपना अलग अलग स्केल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों सबका। और इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना ये कैम एंगल है, इधर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा एंगल है, ये है कैम एंगल है, ये कैम एंगल है, ठीक है, और ये क्या होता है, एच क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इसीलिए बोला गया। तो फर्स्टली ये काम करना है और सेकेंड में आपको क्या काम करना है, क्योंकि SHM को फॉलो किया है तो पहले SHM वाला एसेंट SHM से हुआ तो SHM के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो पहले क्या करना है फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताएं SHM में भी, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें आप। एच के एच बाई टू को रेडियस मानते हुए अब बिल्कुल भी लेफ्ट साइड में जो है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें, एच बाई टू को एक रेडियस मानते हुए, चलिए एक रेडियस मानते हुए h बाई टू को यहाँ ड्रॉ कर लिए और उसको फिर जो है ना इवन नंबर में डिवाइड कीजिए, इवन नंबर में मतलब आप 6 नंबर जनरली याद रखें, 6 नंबर में आप डिवाइड करें, बराबर 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो जैसे हो गया 0, 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 और ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 6 हो गया, अप्रॉक्स मतलब अब तो एग्जैक्ट आप जब बनाएंगे इसको तो एग्जैक्ट आप स्केल से बनाएंगे है ना, कॉपी में जब भी बनाएंगे तो आप स्केल से और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से ऑब्वियस है कि ये 180 डिग्री का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑब्वियस है 180 डिवाइडेड बाय 6 जो होगा 30 डिग्री का होगा, तो आप बिल्कुल भी प्रोटेक्टर से जो है ना वो 30 डिग्री का आप एक बार 30 डिग्री लेने के बाद आप आर्क कट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप मैच करा देंगे पॉइंट को, इस तरह से स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखिए एसेंट ड्यूएल, पहला फर्स्ट में ड्यूएल फिर डिसेंट और फिर सेकेंड में जो ड्यूएल है वो सारा पीरियड सारे को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, वन रोटेशन के लिए है क्योंकि नेक्स्ट रोटेशन फिर से वहीं से रिपीट होगा, फिर से उसी टाइप से रिपीट होगा, तो यहाँ पे एसेंट और ये सब जो एंगल है ना वो अलग अलग एंगल है, तो आप मान लीजिए ये वाला जो कैम एंगल है पूरा 360 डिग्री का जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, सपोज कीजिए कुछ तो स्केलिंग से आप ड्रॉ किए होंगे ना, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ किए होंगे, तो 10 सेंटीमीटर यदि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब ये 150 कितने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप डिवाइड कर दें इसको, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर दें, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसका सेंटर में कितना होगा, सेंटर में 180 डिग्री होगा क्योंकि 360 है तो सेंटर में आपका 180 डिग्री होगा, तो 150 डिग्री मान के चलिए कि यहाँ पे 150 डिग्री है, ऐसे में यहाँ पे अप्रॉक्स ले रहे हैं यहाँ तक 150 डिग्री है और फिर उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद जो है वो 60 डिग्री है लगभग, ये मान लीजिए 60 डिग्री है इतना और फिर उसके बाद कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री तो आपका कम होगा 150 से तो कम होगा है ना, 150 का 2 पार्ट्स तक होगा, तो 2 पार्ट्स करने का मतलब इतना होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और जो रिमेनिंग बच गया ये कितना होगा, देखिए 60 डिग्री जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा होगा और जो रिमेनिंग जो बच गया वो आपका क्या होगा 50 डिग्री होगा, अप्रॉक्स चीज़ों को हम यहाँ पे बनाने का ये किए हैं, ये 50 डिग्री है, ठीक है, अप्रॉक्स चीज़ों को, एंड यहाँ से यहाँ जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये जो दिख रहा है एक्चुअली में ये क्या है आपका, ये है एंगल ऑफ एसेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर उसके बाद जो है वो फॉलोड बाय फर्स्ट ड्यूएल है ना, फिर उसके बाद क्या है तो एंगल ऑफ डिसेंट है और फिर उसके बाद जो है वो ड्यूएल है, इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे जैसा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ऑब्वियस ये 150 है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए है ना, 360 को आप जितना सेंटीमीटर माने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्स चल सकता है, अप्रॉक्स भी आप डिवाइड करेंगे बढ़िया, एग्जैक्ट आप करेंगे बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन ये काम जब भी आप करें स्केल से करें, इतना बात समझ में आना चाहिए। अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, कैम प्रोफाइल ड्रॉ नहीं हो रहा है, कैम प्रोफाइल अभी ड्रॉ होगा इसके बाद,
तो ये बनना है। अब देखिए एसेंट लिखा हुआ SHM को फॉलो कर रहा है, चीज़ों को समझिएगा, ये स्टेप को समझिएगा क्योंकि लिखा हुआ रहेगा। तो SHM मतलब राइज जो है 150 डिग्री का, यहाँ तक SHM को, तो SHM वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। SHM में क्या होता है कॉन्सेप्ट में कि यदि 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसको भी फिर फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो देखिए 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग, है ना। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और फिर उसके बाद आप स्केल से जो है ना वर्टिकल वर्टिकल पूरा लाइन ड्रॉ कर ले, इस तरीके से ड्रॉ कर ले, ठीक है, 6 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, तो ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, ये 1 जो आपको दिख रहा है, तो और इधर जो 1 दिख रहा है, दोनों को आपको ये 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, 1 तक लाना है, डॉटेड लाइन बिल्कुल भी, यहाँ तक 1 तक हो गया। और फिर यहाँ से कहाँ तक, ये 2 तक लाना है, और फिर 3 वाला 3 तक लाना है, ऐसे ही आप सिमिलरली 4 को 4 तक दिख रहे हैं ना 4, और ऐसे ही आपका 5 कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा, और 6 आपका 6 तक आएगा। और फिर इसको जो है फ्री हैंड से आपको ये मिला देना है, ऑब्वियस है कि कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगा। और फिर इसको आप नेम कर लेंगे, जैसे 0 यहाँ पे 0 डैश से स्टार्ट होगा, फिर ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 डैश, फिर होगा 2 डैश, फिर होगा क्या 3 डैश, फिर होगा 4 डैश, फिर होगा 5 डैश, और फिर क्या होगा 6 डैश होगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद ना ड्यूल है, ड्यूल का मतलब क्या हुआ, ड्यूल का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेज नहीं आया, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी वहाँ से कांस्टेंट हो गया। तो देखिए रेड कलर से यहाँ दिखा दिए, अब ये किस जगह पे आ गया, ऑब्वियस है 6 डैश पे आएगा, 6 डैश पे, और ये पॉइंट भी कहाँ पे है, ये पॉइंट भी 6 पे है। अब ड्यूल के बाद ना आपका रिटर्न भी हुआ है, और रिटर्न देखिए डिसेंट जिसको बोलते हैं रिटर्न को, लेकिन वो फॉलो किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो किया 100 डिग्री तक। तो ये डिसेंट दिखाए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फॉलो किया, आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सिंपली क्या करते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इसको आप मिला दीजिए, बस बिल्कुल भी एक स्ट्रेट लाइन से इस कॉर्नर को इसे मैच करवा देना है, ठीक है, एकदम सीधी रेखा से, और फिर यहाँ से आपका फर्दर क्या है ड्यूल वाला पीरियड है, यही काम करना है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा ऐसे कैम प्रोफाइल में, इसीलिए क्या करें इसको भी जो है वो आप 6 पार्ट में, ऐसे 6 से कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा स्मूथ कर्व बनेगा, इसलिए 6 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 6 हो गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और फर्दर क्या है आपका 12 है, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया फर्दर 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ना जहाँ पे कट किया ना उसको आप पॉइंट का नेम कर सकते हैं, इसका रिक्वायरमेंट अभी होगा, है ना, इसका पॉइंट का नेम कर दे, जैसे कि ये आपका जो हो जाएगा ऑब्वियस ये पॉइंट जो होगा ये इसको क्या बोलेंगे 7 डैश बोलेंगे, ये 8 डैश हो गया, ये 9 डैश हो गया, ये 10 डैश हो गया, ये 11 डैश हो गया, फिर से फर्दर 12 के पास 12 डैश हो गया। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया, जो कि फर्स्ट एसेंट जो दिख रहा है आपको अलग कर्व जैसा दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये फॉलो कर रहा है SHM को, ये फॉलो कर रहा है आपका किसको फॉलो कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को। कभी कभार क्वेश्चन में जो है ना नाइफ एज के जगह रोलर फॉलोवर भी होगा, तो हम आपको उसके लिए भी बताएंगे क्वेश्चन, इसमें नाइफ एज फॉलोवर है। और साथ ही साथ आपका मान के चलिए डिसेंट के जगह पे हो सकता है कि डिसेंट आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा होगा, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि डिसेंट भी आपका SHM में हो, तो उस कंडीशन में ये भी कर्व बना तो इधर भी क्या बनेगा आपका कर्व भी बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना। कैम प्रोफाइल ड्रॉ जो है इस जगह पे हम आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप अब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का, एकदम ध्यान से समझिएगा, कैम प्रोफाइल ये स्टेप जो है आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, कुछ कुछ बातें गिवन डेटा वगैरह और कुछ चीज़ें स्केल वगैरह ये सब लिखेंगे आप। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि जो लीस्ट रेडियस गिवन होगा इस तरीके का क्वेश्चन में, तो लीस्ट रेडियस कितना गिवन है, तो आप कहेंगे 20 mm, तो 20 mm को कुछ स्केल मान ले, डिस्प्लेसमेंट अलग स्केल से बनेगा और कैम प्रोफाइल अलग स्केल से, आप 20 mm को कुछ स्केल मान ले अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, और उतना उतना सेंटीमीटर का या जो भी है उसे एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ स्केल मान लिए और उस स्केल से यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं,
तो चलिए एक सर्कल यहां पे हम ड्रॉ कर लिए। देखिए एक सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर लिए, है ना, जो भी आपका लिस्ट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो क्वेश्चन है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन विदाउट ऑफसेट का है। ये क्वेश्चन जो है विदाउट ऑफसेट का है। विदाउट ऑफसेट का मतलब हुआ, ऑफसेट यदि रहेगा तो ऑफसेट में क्या होता है कि यदि कोई भी कैम है, मान लीजिए ये कैम है एक आपका, तो ऑफसेट का मतलब ये होता है यहाँ रोटेट कर रहा है ना, तो ऑफसेट का मतलब होगा उससे हट कर के आपका फॉलोअर लगा हुआ रहेगा। जैसे ये नाइफ एज फॉलोअर है, तो नाइफ एज फॉलोअर देखिए एक से डिस्टेंस ऑफसेट में है, लेकिन यदि यहीं पे फॉलोअर लग गया मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे, तो इसको बोलेंगे विदाउट ऑफसेट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये विदाउट ऑफसेट वाला है, मतलब ये है, ये वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ऑफसेट यदि रहेगा, जैसे एक ऑफसेट है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे आपका फॉलोअर लगा रहेगा, कुछ डिस्टेंस पे आपका फॉलोअर, तो कॉन्सेप्ट वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि विदाउट ऑफसेट का क्वेश्चन है। ऑफसेट वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएं। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक आपका आप बना दीजिए, आप है ना, एक आप फॉलोवर बना दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एक फॉलोवर होगा, कैसा फॉलोवर है, तो लिखा हुआ है नाइफ एज फॉलोवर है, तो एक नाइफ एज फॉलोवर बना दिए, विदाउट ऑफसेट है, जस्ट उसके एबा बनाना है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो देखिए, इसको हम ओ मान लिए इसका सेंटर को, और यहाँ पे क्या मान लिए, ओ डैश मान लिए, ऐसा करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कि जितना एसेंट दिया हुआ है ये ओ डैश को रेफरेंस लाइन मानते हुए, ओ डैश को रेफरेंस लाइन मानते हुए, बिल्कुल भी समझिएगा ध्यान से, ओ डैश को रेफरेंस लाइन मानते हुए आपको जितना एसेंट दिया हुआ है यहाँ पे एसेंट बनाइए। तो 150 डिग्री है, ऑब्वियस है 180 डिग्री यहाँ तक होगा, तो अप्रॉक्स जो आप कह सकते हैं 150 डिग्री इतना तक होगा लगभग, है ना, यानी यहाँ तक होगा। अब नेक्स्ट जो है ड्यूल है, अब नेक्स्ट जो है ड्यूल है आपका, तो ड्यूल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का पेंगल अब यहाँ से बनाए, तो 60 डिग्री मान के चलिए कि इस तरह इतना 60 डिग्री है। फिर इसके बाद 100 डिग्री है, सपोज कीजिए 100 डिग्री इतना होगा। हम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बनाना है, आपको एग्जैक्ट बनाना है, बिल्कुल भी इतना डिवाइड कर सकते हैं जितना एंगल दिया हुआ है, पूरा जोड़ करके 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आप इजीली कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। शुरू में एसेंट था 150 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर आपका है 100 डिग्री, फिर बचेगा कितना, 50 डिग्री बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो 150 डिग्री जो एसेंट दिया हुआ है उसको कितने पार्ट्स में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किए हैं 6, डिस्प्लेसमेंट में जितने में डिवाइड करेंगे यहाँ भी उतने ही में डिवाइड करना है। यदि यहाँ पे एक्चुअली में आप याद रखेंगे हमेशा SHM के केस में 6 में डिवाइड करें, तो यहाँ पे भी 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए इसको, आप बराबर 6 पार्ट में 150 डिग्री को 6 पार्ट में, तो आप प्रोटेक्टर से काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद आर्क कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप्रॉक्स आपको बता रहे हैं, जैसे कि 6 पार्ट में यानी कि होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब 6 पार्ट में देखिए यहाँ पे हम मार्क कर दिए हैं, है ना, पहले मार्क कर लेना, फिर उसके बाद सेंटर से मिलाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आप नेम कर ले, जैसे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड। उसके बाद फर्दर सेंटर से जो है वो पॉइंट को मिलाते हुए एक्सटेंड कर देना है, तो सेंटर से पॉइंट को मिलाते हुए आप एक्सटेंड कर देंगे, है ना, आगे तक थोड़ा एक्सटेंड करके आप रखेंगे पेन, ये सब काम आपको पेंसिल से करना है। देखिए इस तरह से आगे एक्सटेंड करके आपको छोड़ देना है, कहाँ तक करना है, बस थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करके छोड़ देना है, सब पॉइंट से पास करेगा, यहाँ से 6 से भी इस तरह से छोड़ देना आगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप, आप डिसेंट को भी देखें तो डिसेंट भी 6 पार्ट में है ना, तो चलिए डिसेंट को भी कर लीजिए, ड्यूल को कुछ भी नहीं करना है, डिसेंट को भी 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 6 से यहाँ पे फिर से 6 आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना 6 के बाद क्या हुआ 6, तो वैसे ही 6 से 6, तो क्या होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया, मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद इसको भी आप ऐसे ही एक्सटेंड कर दीजिए, इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए इसको भी आप, ठीक है, एक्सटेंड कर दिए। थोड़ा सा 6 को हम इधर दिखा देते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया क्या 12 हो गया। इस तरह से आपका एसेंट वाला डिसेंट वाला डिवाइड हो चुका है ना,
ऑब्वियस है एसेंट में एक एंगल अलग होगा, डिसेंट का अपना अलग अलग होगा। ये थोड़ा और भी स्ट्रेट नहीं नज़र आ रहा, इसको थोड़ा हम है ना, ये 12 है। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप आप एकदम याद रखेंगे आप चीज़ों को। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका जरूरत पड़ेगा इस डायग्राम का, डिस्प्लेसमेंट का। वन जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जीरो और डीरो डैश एक जगह पे है, तो एक ही पॉइंट है, तो वहाँ तो कुछ नहीं करना। वन से वन डैश प्रोटेक्टर को लाना है, सॉरी प्रोटेक्टर नहीं, कंपास को लाना है बिल्कुल भी, और यहाँ से यहाँ इस टाइप से कंपास से रखना है, वन से वन डैश, और फिर वन से वन डैश में कट करना है, वन से वन डैश में दोस्तों कट करना है। तो वन से वन डैश में मान लीजिए यहाँ पे कट किया, फिर ऐसे ही टू से टू डैश को कट करना है, तो टू से टू डैश को कट करेंगे, फिर ऐसे ही थ्री डैश को कट करेंगे, फिर ऐसे ही फोर डैश को, फिर ऐसे ही फाइव डैश को, फिर ऐसे ही क्या सिक्स डैश को। ऑब्वियस है सिक्स से सिक्स डैश सबसे बड़ा होगा, फाइव डैश छोटा होगा, उससे छोटा इस तरीके से होगा। फिर फर्दर इधर भी करना है आपको सिक्स से सिक्स डैश, तो सिक्स से सिक्स डैश करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा इतना ही वैल्यू ये भी होगा। अच्छा सिक्स वाला आगे हम नहीं किया, तो सिक्स से आपका सिक्स डैश, देखिए यहाँ से यहाँ कंपास से आप रखें तो यहाँ से भी कंपास से रखेंगे तो लगभग ये आएगा सिक्स डैश। फिर उसके बाद छोटा होगा सेवन डैश, क्योंकि सेवन से सेवन डैश देखिए धीरे धीरे छोटा होगा, डिसेंट हो रहा है ना, फिर एट डैश, फिर नाइन डैश, फिर टेन डैश, फिर इलेवन डैश, और फिर फर्दर क्या हो जाएगा ट्वेल्व डैश हो जाएगा। इस तरीके से अप्रॉक्स हम यहाँ पे कर लिए हैं मार्किंग। फिर मार्किंग के बाद लास्ट में क्या करना है कि फ्री हैंड से अब डार्क पेंसिल से आपको, क्योंकि अभी जो दिखेगा ना वही कैम प्रोफाइल होगा, तो ये सब आपको लाइट पेंसिल से करना है। और अब जो ड्रॉ होगा जैसे हम रेड से कर रहे हैं, इसको आपको कभी भी पेन से नहीं करना ये काम, अब इसको आप फ्री हैंड से इसको आप मैच करवा लेंगे, देखिए यहाँ तक। और फिर उसके बाद ना ये ड्यूल वाला पीरियड को वैसे ही आर्क बढ़ाते हुए आगे तक ले आएंगे, है ना, एक आर्क बढ़ाते हुए, और फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से अप्रॉक्स जो है ये जो आपको दिख रहा है, इसको आप और भी फ्री हैंडेड मतलब चीज़ों को यदि आप स्केल से करेंगे थोड़ा और भी ये अच्छा दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर से इसको हम बढ़िया से कर दे रहे हैं, यही है आपका कैम प्रोफाइल, यही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कैम प्रोफाइल है। यही आपका है कैम प्रोफाइल। अब क्या करना है, नेम कर देना है, जैसे वन को कहाँ से मिलाए थे, तो वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश, यहाँ पे भी होगा सिक्स डैश सेवन डैश एट डैश नाइन डैश टेन डैश इलेवन डैश, और फिर से कहाँ पे हो गया ट्वेल्व, और ट्वेल्व डैश एक जगह पे होगा। फिर उसके बाद फर्दर ड्यूल हुआ है, तो फर्दर ड्यूल मतलब क्या होगा, ऑब्वियस है कि सर्कल पे ही होगा, तो इस तरह से आप ड्यूल को दिखा दें, मतलब कुछ इस तरीके से ये जो रेड वाला पूरा दिख रहा है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को कैम प्रोफाइल बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो है कैम प्रोफाइल कौन सा फॉलोवर यूज कर रहा है, तो नाइफ एज फॉलोवर है, यहाँ पे कौन सा फॉलोवर है, तो आपका नाइफ एज फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर है, याद रखेंगे ये फॉलोवर कैसा है, नाइफ एज फॉलोवर है। तो नाइफ एज फॉलोवर के लिए कैसे कैम प्रोफाइल ड्रॉ होगा आपको स्टेप बाय स्टेप आप बताएं। अब और भी अच्छे से कर दें आप, एंगल वगैरह यहाँ पे दिखा दें, यहाँ से यहाँ एंगल टोटल कैसा था, तो यहाँ से एंगल जो था वो एसेंट था, है ना, और ये वाला एंगल क्या था, ये वाला फर्स्ट ड्यूल था, और ये एंगल पूरा क्या था, तो ये आपका डिसेंट था, और फिर ये वाला एंगल क्या था, तो आपका ड्यूल था, ठीक है। ये एंगल वगैरह भी यहाँ पे मार्क कर ले, थोड़ा सही रहेगा कि कितना कितना डिग्री का आखिर एंगल था। अब ये जो दिख रहा है ना, उम्मीद है कि ये नाइफ एज फॉलोवर से रिलेटेड आपको यदि कभी भी कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना आएगा, तो उम्मीद है कि आप एकदम ईजिली जो है बहुत ही ईजी वे में इस प्रोफाइल को आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, जो ये प्रोफाइल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद कैम प्रोफाइल आपको ड्रॉ करना है। चलते हैं कोई और भी लेक्चर में, जिसमें आपको हम दिखाएंगे रोलर फॉलोवर यूज करके विदाउट ऑफसेट में ही, विदाउट ऑफसेट ही रहेगा लेकिन रोलर फॉलोवर यूज करेंगे, इसके नाइफ एज के जगह रोलर फॉलोवर, क्या क्या स्टेप जो है वो आपका चेंज होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, आप यदि सीख गए होंगे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना, आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर रखें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैनल पे नए होंगे जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का लेक्चर मेरा अपलोड होता रहता है, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लें आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहें, खूब मन लगा करके पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।